आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। कोरोना संक्रमण के कारण जहां वर्ष 2020 में पूरी दुनिया परेशान रही, वर्ष 2021 में इसके वैक्सीनेशन डोज सफल होने की लोगों को पूरी उम्मीद है। इसी क्रम में देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू करने की तैयारी है। यह ड्राई रन देश के हर राज्य में दो दो शहरों में आयोजित किया जाएगा। हालांकि बिहार में इसके लिए 3 जिलों को चुना गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन राजधानी पटना, जमुई और पश्चिमी चंपारण के बेतिया में किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ड्राई रन के लिए तीनों जिले में 3-3 केंद्रों को चुना गया है। पटना में मॉक ड्रिल के लिए शास्त्री नगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फुलवारी शरीफ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और दानापुर में सब डिविजनल अस्पताल को चुना गया है। वहीं जमुई में 3 स्कूलों में ये परीक्षण अभियान पूरा किया जाएगा। बता दें कि बिहार में इस टीकाकरण अभियान की कमान स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने संभाली है। उन्होंने बताया है कि मॉक ड्रिल में टीकाकरण अभियान के लिए इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक टीकाकरण को विन पोर्टल के माध्यम से होगा। इस पोर्टल में टीका लगाने वाले से लेकर जिसे टीका लगना है उसका डेटाबेस मौजूद है। तो कोरोना का जो ड्राई रन शुरू हो चुका है और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से शादाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब, आज वहां पर कोरोना से जंग लड़ने की पहली स्टेप जो है वो ले लिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, मैं अभी खड़ा हूँ पटना में, ये शास्त्री नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले अपना नाम चेक कर रहे हैं। वहाँ पे गार्ड्स हैं जो इनको देख रहे हैं और उसके बाद यहाँ से फिर वो अपना पर्ची लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए वो आगे बढ़े। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो रजिस्ट्रेशन का वो पॉइंट दिखाएं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। और ये वो जगह है जहाँ पर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, अंदर में हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंदर में नाम दिखाया जा रहा है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर में वो चेक कर रहे हैं कि उनका नाम या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं वो रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपको पूरी जानकारी के लिए मैं अभी बात कराऊंगा जो इम्यूनाइजेशन के नोडल ऑफिसर हैं, ये हैं हमारे साथ डॉक्टर लाल जी। तो अभी हम बात करेंगे डॉक्टर लाल जी से कि सर आपका ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस तरह से है, एक बार आप अपने तरह से इसको बताएं कि कैसे कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए ये चेक किया जाता है, जो है इसको हम लोगों ने वैक्सीनेशन ऑफिसर 1, 2, 3, 4 बनाया है और एक वैक्सीनेटर बनाया है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है, जो भी हमारे ड्यूलिस में जिसका भी नाम है, सबसे पहले वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो हमारे गार्ड होंगे वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर उनको चेक किया जाएगा उनका लिस्ट में नाम है कि नहीं, उनकी आईडीज देखी जाएगी, जो भी आईडीज दिए होंगे आईडीज से चेक करने के बाद उनको सैनिटाइज करते हुए उन्हें वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 वो उनको ले जाएंगे यहाँ पर वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 के पास, जो कि कोविन सॉफ्टवेयर में उनका एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद उन्हें फिर वेटिंग रूम है वहाँ बैठाया जाएगा, वहाँ से फिर उन्हें ले जाया जाएगा टीकाकरण कक्ष में, जहाँ वैक्सीनेशन रूम है वहाँ पर जो है हमारे वैक्सीनेटर जो हैं उनको टीकाकरण करेंगी कोविड का। उसके बाद उसे फिर दोबारा से यहाँ पर वैक्सीनेटर वहाँ पर जो डाटा पेटर के पास कन्फर्म कर लेंगे कि हाँ इनका टीकाकरण हो गया है। उसके बाद उन्हें ये हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ पर वैक्सीनेटर ऑफिसर जो 4 हैं वो रहेंगी, वो उनको बताने के लिए कि भाई आप लोग आधा घंटा यहाँ वेट कीजिए, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत सूचना देगी। हमारे AFI किट लेकर बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, तुरंत कुछ भी अगर एक बार मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम लोगों को लाइव में दिखाएं कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। हमारे साथ नोडल ऑफिसर साथ में है, वो बता रहे हैं कोविन सॉफ्टवेयर में एंट्री यहीं पर से हो रहा है, वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 है ये, है ना, और यहाँ पर एंट्री हो रही है उसके वो यहाँ से होने के बाद फिर ये हमारा जो वेटिंग कक्ष है ये हमारा, है ना, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग एक एक चेयर को उस पर यहाँ बैठेंगे, बैठने पर उनका जो नंबर आएगा तो फिर ये हमारा, आइए हम साथ में बता रहे हैं।
ये हमारा वैक्सीनेशन रूम यही है, यहाँ पर जो है हमारी वैक्सीनेटर जो है ये ANM है जो यहाँ उनका देखिए वैक्सीनेशन अभी कर रही है ना, यहाँ पर वैक्सीनेशन इनका होगा और वैक्सीनेशन दिखाइए, वैक्सीनेशन का देखिए कैसे वैक्सीनेशन हो रहा है। तो यहाँ ये वैक्सीनेशन का करेगी, उनको बताएगी मैसेज कि क्या क्या करना है और उसके बाद फिर हम लोग उसको दोबारा से रीचेक कर देंगे कि भाई यहाँ आपका वैक्सीन हो गया, फिर उसके बाद उन्हें हम लोग दिखाएंगे आपको कैसा, आप लोगों कक्ष में हम लोग को ले जाएंगे। देखिए ये मॉक ड्रिल में सिर्फ ये मॉक ड्रिल हो रहा है, अभी वैक्सीन नहीं पड़ रहा है, ये सारी तैयारियां की जा रही हैं कि आगे के लिए। तो आप देखिए ऐसे वैक्सीन यहाँ पड़ेगा और यहाँ पे फिर उसको ये कर दिया जाएगा। कितने देर से शुरू होगी, कितने देर में शुरू होगी ये ड्राई रन जो है वैक्सीनेशन का, वो कितने देर में शुरू होगी? शादाब वेस्ट मटेरियल उसको डिस्कार्ड करेंगे वहाँ पर जो सबके बनी हुई है इसमें उसको। उसके बाद यहाँ पर जब वो कंफर्म हो लेंगे उनका टीकाकरण हो चुका है वहाँ पर वो ठीक हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग एक बात हम लोग आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये आप लोगों को कैसा एक चुनौती के तौर पे आप इसको ले रहे हैं? बिल्कुल चुनौती के तौर पर ले रहे हैं। हम लोगों ने कोविड के जब इसमें प्रकोप आया था, जब जिस समय लॉकडाउन लगा था, हम लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए थे और अभी भी हम लोग जब वैक्सीन इसका आ गया है तो हम लोग बहुत मुस्तैदी से इसमें वर्क कर रहे हैं और हम लोग पूरी आशा है कि हम लोग इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो क्या लगता है कि ये जो पूरा वैक्सीनेशन होगा ये कितना सक्सेस होगा और किस तरह से आप लोग इसको आगे बढ़ाएं? हम लोग अपने तरफ से तो पूरे कोशिश करेंगे कि जो भी इसका शेड्यूल आ रहा है, अभी तो जिसके दो डोज पड़ने हैं अभी एक डोज पड़ेगा, अगला डोज के बारे में जैसा गाइडलाइन मिलेगा हम लोग किया जाएगा और हम लोग आप इसमें अपनी तरफ से पूरे कोशिश करेंगे कि ये सक्सेसफुल ही हो। तो ये आप सुन रही थी कि ये पूरा प्रोसेस बताया डॉक्टर लाल जी ने जो कि यहाँ के इम्यूनाइजेशन के ये नोडल ऑफिसर हैं। जी शादाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और एक अरसे बाद कोरोना के साथ जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से देश तैयार है, बिहार तैयार है, झारखंड तैयार है, बंगाल तैयार है और ऐसे में हर कोई यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना का निदान मिले। फिलहाल